गाइस, इस टेंस की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो ही बातें बोलते हैं जो अभी इस वक्त कंटिन्यू हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। उन चीजों के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस के लिए भी जो अभी हाल फिलहाल में खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाता है। तो कभी कभी काम परफेक्ट यानी कि हो चुका भी होता है और कभी कभी जारी भी रहता है यानी कि कंटिन्यू भी रहता है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे पूरा अंत तक देखिएगा। Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you are watching English Connection. Basic English Grammar series का ये part है guys. आज है day 26 और आज जो आप सीखने वाले हैं वो present perfect continuous tense है। बहुत ही interesting tense है और साथ ही साथ बता दो कि आप continuous को progressive भी बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं present perfect progressive tense। इसकी पहचान वही है जो present continuous tense की है, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। लेकिन यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा है जो कि है समय। तो ऐसी बातें जिसमें हम समय का भी जिक्र करते हैं कि कोई काम कब से हो रहा है, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि समय के साथ अगर रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के एंड में, तब आप इस टेंस का यूज करेंगे। और अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, किसी समय से शुरू हुआ है और अभी हाल फिलहाल में खत्म हो चुका है, तब इसका यूज करेंगे, या फिर अभी भी कंटिन्यू है और शायद भविष्य में भी कुछ समय तक कंटिन्यू रहे। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हर टेंस में स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर रहेगा। हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग होती हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, तो जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं हैज और हैव, वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी यूज होगी, हैज या फिर हैव। उसके बाद यहाँ पे बीन जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो has been या फिर have been। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो बेस फॉर्म होती है उसमें ing जोड़ेंगे, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इस has, have और इस been के बीच में not add करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो वर्ड्स के वर्ब्स आते हैं ना हेल्पिंग वर्ब्स, तो उनके बीच में आता है जो भी आता है, तो not है तो बीच में आ गया। और उसके बाद फिर वर्ब में ing और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो इनकी जगह एक्सचेंज होती है, तो has, have पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर been। तो यहाँ भी देखिए has, have और been के बीच में सब्जेक्ट आया, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठा के रख देंगे, और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट भी ऐड कर देंगे। ये मैं आपको हर टेंस में बताती हूँ, इसलिए मैं इसे डिटेल में यहाँ नहीं बता रही हूँ। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने की है कि यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर को हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। तो जब कोई स्पेसिफिक टाइम होता है ना, अ पॉइंट इन टाइम, कोई पॉइंट बताते हैं टाइम में, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, तब हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना हो 3 बजे से, तो हम बोलेंगे सिंस 3 o'clock, सन 2010 से, सिंस 2010, कल से, सिंस यस्टरडे, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। और फॉर का यूज हम करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक ड्यूरेशन होगा, जैसे कि 3 घंटे से, निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय के लिए, 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, 3 दिन से, फॉर 3 डेज, 4 हफ्तों से, फॉर 4 वीक्स, 10 साल से, फॉर 10 ईयर्स। इस तरीके से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, क्लियर। अब हम इस बात को समझ लेते हैं यहाँ टाइम बार पे कि हम कैसे समय के लिए, कैसे सेंटेंसेस के लिए इन्हें यूज करेंगे। तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। तो पास्ट में जब कोई काम शुरू हुआ किसी समय से, ठीक है, पास्ट में किसी भी समय से शुरू हुआ, कंटिन्यू हो रहा है अभी रीसेंट पास्ट में, यानी कि अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, तो भी हम इस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा कि जब कोई काम पास्ट से शुरू हुआ अभी भी कंटिन्यू है और शायद फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, तब भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो दो कंडीशंस हैं,
यहां से समझते हैं. द फर्स्ट वन इज एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली स्टॉप्ड या फिर जस्ट स्टॉप्ड. तो एक्शन क्रिया भूतकाल में शुरू हुई, भूतकाल में यानी कि पहले, अभी से पहले से शुरू हुई और हाल फिलहाल में खत्म हुई या फिर अभी अभी खत्म हुई. तो मान लीजिए 2-3 घंटे पहले खत्म हुई या फिर अभी जस्ट खत्म हुई, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि मैं बोलूं आई एम स्लीपी, मतलब कि मुझे नींद आ रही है. आई हैव बीन स्टडींग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूं. तो सुबह एक निश्चित समय है, एक पॉइंट है टाइम का, तो यहां सिंस का यूज किया. और क्योंकि सुबह से पढ़ रही हूं तो ये रिजल्ट है अभी, तो सुबह से पढ़ रही हूँ, ये काम अभी अभी खत्म हुआ, मान लीजिए आधे घंटे पहले ही खत्म हुआ, तो मैं स्लीपी फील कर रही हूँ. तो प्रेजेंट में इसका हमें रिजल्ट मिलता है. इस तरीके के क्रियाओं का यहाँ पे हमें क्या मिलता है, रिजल्ट. ठीक है, तब हम यूज करते हैं ये टेंस. तो आपने इस सेंटेंस को समझ लिया, आगे और भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे. अब हम समझ लेते हैं पॉइंट 2, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट. एक्शन यानी कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई एंड Still continuing, मतलब कि अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है. तो इसका सेंटेंस देखते हैं. I have been teaching for 2 hours, जो कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ. और मैं ये बता रही हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, शायद आगे भी पढ़ाऊंगी. तो यहाँ पे हमने ये टेंस यूज किया और फॉर का यूज किया, क्योंकि ये क्या है, एक ड्यूरेशन है 2 आवर्स. मैं ये नहीं बता रही ना कि मैं कितने बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ. तो ये ड्यूरेशन बताई, तो फॉर का यूज किया. एंड आई हैव बीन टीचिंग, तो हैव बीन का यूज किया, फिर वर्ब में ing. और ये इस कैटेगरी का सेंटेंस है कि अभी भी काम कंटिन्यू है. नेक्स्ट इज आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ मंथ नाउ. Have been reading, मैं पढ़ रही हूँ ये किताब for a month now, अभी 1 महीने से. तो 1 महीने से पढ़ रही हूँ, it doesn't mean कि मैं अभी हाथ में लेके पढ़ रही हूँ, मतलब 1 महीने से मैं रोज या फिर 2-3 दिन पे इसे पढ़ती हूँ. अभी किताब पूरा नहीं पढ़ा मैंने, तो किताब पूरी नहीं पढ़ी, इसलिए इसे हम बीच में मानेंगे कि अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो किताब आगे भी मैं पढ़ूंगी. तो गाइज ये चीज आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी काम अगर पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है या फिर अभी हाल फिलहाल में पूरा हो चुका है, तो हम इस टेंस का यूज करेंगे. बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं. आपने सिंस और फॉर का भी यूज समझ लिया कि सिंस का यूज कब करना है एक पॉइंट के साथ और फॉर का यूज कब करना है एक ड्यूरेशन के साथ. क्लियर? तो अब हम इन सेंटेंसेस के आगे प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ अब आप आगे सीखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि यहाँ में बीन जुड़ा हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. तो गाइज अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शंस की, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसान भी होते हैं समझने के लिए. तो देखिए आई वी यू दे, इनके साथ हम हैव का यूज करते हैं और यहाँ बीन भी है तो हैव बीन का. ठीक है, ही शी इट, इनके साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं. और जैसा कि हमेशा होता है यहाँ पे हम बीन को तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा. हैव में इस एच ए को गायब कर देंगे और वी ई जुड़ेगा अपोस्ट्रोफी के बाद. ये सभी स्पेलिंग्स वैसी की वैसी रहेंगी. सो आई और हैव को जोड़ेंगे, बनेगा आईव बीन, वी हैव वीव बीन, यू हैव यूव बीन, दे हैव देव. ठीक है, और यहाँ ही शी इट में ये एस तो रहेगा, एच ए यहां भी गायब हो जाएगा, सिर्फ एस जुड़ेगा. तो ही और हैज जुड़ेंगे, बनेगा हीज बीन, she or has जुड़ेंगे she is, it or has its, so he is being, she is being, it's being. अब नेगेटिव में आ जाते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो have और has के बाद not और been जुड़ता है. तो यहां भी been as it is रहेगा, have और not, has और not को जोड़ेंगे. तो have not जोड़ेंगे तो यहां से o गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे apostrophe आ जाएगी. तो ये हो जाएगा h a v e फिर n apostrophe t, haven't. इसे प्रोनाउंस करेंगे haven't, haven't been. और has और not को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा hasn't, hasn't been. तो ये contractions हैं. स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर contractions ही चलते हैं. तो अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये सिंस और फॉर का तो यूज हम करते हैं, या जब हम सिंस फॉर का यूज नहीं करते,
पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं, हाल फिलहाल की, तो लेटली या फिर रिसेंटली यूज करते हैं। तो सेंटेंस में से समझते हैं, वह इधर कुछ दिनों से, इधर कुछ दिनों से यानी कि हाल फिलहाल से, वह इधर कुछ दिनों से हमसे मिलने आ रही है। तो देखिए सेंटेंस के एंड में आ रहा है रही है, ठीक है। इसे हम कैसे बनाएंगे, वह के लिए शी, फिर शी के साथ हैज बीन आता है, शी हैज बीन विजिटिंग अस, हमसे मिलने आ रही है, शी हैज बीन विजिटिंग अस रिसेंटली। तो इधर कुछ दिनों के लिए हमने इसे यूज कर लिया, तो हमने सिंस और फॉर का यूज नहीं किया। अगर आप यहाँ पे ये बोलते कि वह सोमवार से हमसे मिलने आ रही है, तो आप बोलते शी हैज बीन विजिटिंग अस सिंस मंडे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज, मेरी इधर कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इधर कुछ दिनों से वही चीज, हाल फिलहाल, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे lately। I haven't been, have not been का contraction haven't been, I haven't been feeling well lately। अब देखिए अगर आप यहाँ ये बोलते कि मेरी दो दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं बोलती I haven't been feeling well for two days। क्योंकि दो दिनों से बोल रही हूँ तो for का यूज करती, क्योंकि ये ड्यूरेशन है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम बात कर रहे हैं क्या तुम सिगरेट पी रहे थे। यहाँ पे देखिए मैंने थे लिख दिया है, तो मैंने ये जानबूझ के लिखा है आपको समझाने के लिए। ये एक ऐसा सेंटेंस है, सपोज कि आप कहीं जाते हैं, आपका कोई नोन पर्सन है वहां पे और आपको सिगरेट की यानी कि स्मोकिंग की स्मेल आ रही है, तब आप ऐसे में तुरंत पूछते हैं क्या तुम सिगरेट पी रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आपको रिजल्ट अभी मिला है कि आपको स्मोकिंग की स्मेल आ रही है, तब आपने थे लगा के पूछा हिंदी में। लेकिन क्योंकि ये रीसेंट पास्ट का है, अभी अभी आप इसका रिजल्ट फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप यही टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट वाला, और आप बोलेंगे हैव यू बीन स्मोकिंग, हैव यू बीन। तो गाइज यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने हिंदी में तो थे बोला तो मैं हैव का यूज क्यों करूंगा, क्योंकि ये रीसेंट पास्ट की बात है और रिजल्ट अभी आपके सामने है, तो आप यही टेंस यूज करेंगे। हैव यू बीन स्मोकिंग, क्या तुम सिगरेट पी रहे थे। तो ऐसे अगर और भी कोई ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं जिसमें कि रिजल्ट आपके पास अभी है, रीसेंट पास्ट की बात है, तो भले आप हिंदी में थे बोले, वहां पे आप हैव और हैज का यूज करें। क्लियर। नेक्स्ट इज, मीरा अपनी माँ के साथ रह रही है जब से उसका तलाक हुआ है। यहाँ पे ये सेंटेंस लेने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपको बता सकूं कि सिंस हम ऐसी भी सिचुएशन में यूज करते हैं जब हम किसी और एक्शन की यानी कि किसी और घटना की बात कर रहे हैं, कि जब ऐसा हुआ तब से। तो यहाँ पे देखिए कि मीरा हैज बीन स्टेइंग विद हर मॉम, मीरा अपने माँ के साथ रह रही है कब से, जब से उसका तलाक हुआ है, सिंस हर डिवोर्स। तो सिंस हर डिवोर्स का मतलब हो गया कि डिवोर्स के बाद से वो अपनी माँ के साथ रह रही है। नेक्स्ट इज, स्कूल छोड़ने के बाद से राम दिल्ली में रह रहा है। राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, तो राम के साथ हैज बीन आया, लिव में आई एन जी जुड़ गया, राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस ही लेफ्ट स्कूल, जब से उसने स्कूल छोड़ा। तो सिंस हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जब ऐसा हुआ था। तो यहां आपने सीख लिया कि सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं। अब चलिए इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। शी हैज बीन विजिटिंग अस रिसेंटली, इसे नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे एक नॉट एड करेंगे और बोलेंगे शी हैज नॉट बीन या फिर शी हैजंट बीन विजिटिंग अस रिसेंटली। ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाते हैं। मीरा हैज बीन स्टेइंग विद हर मॉम सिंस हर डिवोर्स, तो यहाँ बोलेंगे मीरा हैजंट बीन स्टेइंग विद हर मॉम सिंस हर डिवोर्स। और राम हैज बीन को यहाँ नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा राम हैजंट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस ही लेफ्ट स्कूल, मतलब कि स्कूल छोड़ने के बाद से राम दिल्ली में नहीं रह रहा है। ये नेगेटिव हो गए। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये Has पहले आ जाएगा और हो जाएगा Has she been visiting us recently? क्या वो इधर कुछ दिनों से हमसे मिलने आ रही है। यहाँ इसे बनाएंगे Has Meera been staying with her mom since her divorce? क्या मीरा अपने माँ के साथ रह रही है जब से उसका तलाक हुआ है। राम हैज बीन को जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे बन जाएगा Has Ram been living in Delhi since he left school? क्या राम दिल्ली में रह रहा है जब से उसने अपना स्कूल छोड़ा है।
आप ये ध्यान दें कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेगेटिव बनाना होता है एक नॉट उठा के रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर दो वर्ड के हेल्पिंग वर्ब हैं तो उनके बीच में, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आके रख देते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। इट्स रियली वेरी इजी गाइज, आई होप कि आपके लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। अब मैं आपके लिए क्विज ले आती हूँ जिसे कि आप खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से देखेंगे कि आपने कितने स्कोर बनाए। तो उसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव और पॉजिटिव हर तरीके के सेंटेंसेस होंगे। आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आपने कितने स्कोर बनाए, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। गाइस एक बात मैं जरूर बता दूं कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि आपको ग्रामर एकदम मक्खन की तरह तैयार करा दूं, ताकि आप बिल्कुल भी कोई मिस्टेक ना करें कहीं पे। इसीलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में उठाकर ले आती हूं, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होते हैं मैं आपको बताती हूं। तो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह तो लगभग सेम ही होते हैं जो इस टेंस में यूज हुआ है। अगर आई और हैव को यहाँ जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, वैसे ही ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। तो इसलिए इन सब कॉन्सेप्ट्स को बार बार बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है। आई थिंक अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोज देख रहे हैं, गाइस पिछली वीडियोज जरूर देखें। और एक बार जरूर कहूंगी कि इस वीडियो को समझने के लिए एक और चीज जरूरी है, जो कि है कि वर्ब में आईएनजी किस तरीके से जोड़ें। तो वर्ब में आईएनजी जोड़ने का रूल मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी डे 27 में, और वहां आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अगर चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें, और उसके बाद भी ऑल पे जरूर क्लिक करें, ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना करें मेरी अपकमिंग वीडियोस की। विल मीट यू सून, बाय बाय।